दोस्तों, पब्लिक टॉयलेट का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में गंदे और बदबूदार पब्लिक टॉयलेट की तस्वीरें सामने आने लगती हैं। लेकिन जापान की पब्लिक टॉयलेट की गंदगी से निपटने के लिए जापान सरकार ने ऐसा दिमाग लगाया कि उनकी पब्लिक चाहकर भी उसे गंदा नहीं छोड़ सकती। तो दोस्तों बताएंगे बिल्कुल विस्तार से, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए। दोस्तों, जापान के टोक्यो शहर में टोक्यो शौचालय परियोजना के तहत ऐसे शौचालयों का निर्माण किया गया जो पूरी तरीके से पारदर्शी है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि पारदर्शी शौचालय का आखिर इस्तेमाल करेगा कौन, लेकिन ये टॉयलेट पारदर्शी होने के बावजूद भी आपकी पूरी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। दरअसल दिखने में तो ये पारदर्शी लगते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति अंदर से टॉयलेट का दरवाजा लॉक करता है तो ये पारदर्शी से अपारदर्शी हो जाते हैं। टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद जब दरवाजा खुला होता है तो ग्लास एक बार फिर पारदर्शी हो जाता है। जब कोई व्यक्ति टॉयलेट का इस्तेमाल करके बाहर आए तो वह उतना ही साफ हो जितना उस वक्त था जब वो व्यक्ति टॉयलेट का इस्तेमाल करने के लिए अंदर गया था। टॉयलेट अगर पारदर्शी होंगे तो उनकी निगरानी करने में आसानी होगी। दोस्तों, भारत में भी ऐसे पब्लिक टॉयलेट बनाने चाहिए कि नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।